दिस इज मुकेश संघवी फ्रॉम पुना एमको हार्डवेयर. वी डील इन वेरियस ब्रांड्स लाइक हैटिक, हैफले, ओजोन, येल, डोरमा एंड बिग ब्रांड्स लाइक गोदरेज ऑल्सो. सो वी आर हियर फ्रॉम सिंस 150 ईयर्स. एमको हार्डवेयर सिंस 150 ईयर्स. दिस इज अ फोर्थ जनरेशन डीलिंग इन हार्डवेयर, प्लाईवुड, वीनियर्स एंड ऑल हार्डवेयर, बेसिकली फॉर बिल्डिंग हार्डवेयर. एंड पुना मार्केट इज बेस्ड टोटली ऑन आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स एंड बिल्डर्स, वेयर द आर्किटेक्ट टेक्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस क्लाइंट्स एंड आर बिजनेस इज टोटली डिपेंडेड ऑन आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर्स. सर, अभी जो पुना का मार्केट है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ किस तरीके का कस्टमर है? एंड बायर जाता है या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, स्पेसिफायर जाता है, तो कंज्यूमर किस तरीके का है अभी पुना में? अभी बेसिकली मीडियम क्लास जो है वो ज़्यादा है, एंड क्लाइंट ज़्यादा है. और जो हायर क्लास है, जैसे आर्किटेक्ट्स के पास बंगलो प्रोजेक्ट्स है, तो वो सबसे ज़्यादा है. बाकी उसके नीचे अभी कोई क्लाइंट नहीं है. जैसे कि अभी 2BHK, 3BHK जो फ्लैट है वो ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो कस्टमर्स अभी मार्केट में ज़्यादा है. और प्योरली हाई क्लास क्लाइंट्स जिसका नो बजट है, बिग बंगलोज, वो सब ज़्यादा अभी वही क्लाइंट है अभी मार्केट में. किचन वार्डरोब का मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है अभी? किस तरीके का, किस रेंज का किचन सबसे ज़्यादा डिमांड में? किचन एंड वार्डरोब मार्केट इज़ ग्रोइंग ट्रूली वेरी हाई. और बेसिकली ये मॉड्यूलर कंसेप्ट में ज़्यादा अभी आ रहा है, तो इसका डिमांड काफ़ी है मार्केट में. जैसे अभी पुणे में बहुत सारे नए स्टोर्स खुल रहे हैं, वो टोटली मॉड्यूलर सॉल्यूशन में आ रहे हैं. तो पुणे का मार्केट जो किचन का है, वो बेसिकली 5 लाख प्लस के किचन का मार्केट अच्छा बढ़ रहा है पुणे में. और वार्डरोब्स का भी मार्केट बहुत तूफानी से जो 1.5 लाख प्लस के वार्डरोब है वो ज़्यादा बिक रहे हैं अभी इधर. सर, आपके पास काफ़ी सारे हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स भी हैं. आज अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हार्डवेयर का, फिटिंग्स का क्या रोल है वहाँ पे, और इस इंडस्ट्री में किस तरीके का इनोवेशन आ रहा है, और आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी रखते हैं? बेसिकली अभी मैकेनिकल लॉक्स, जो पहले लोग चाबी से लॉक खोलते थे, वो सब डाइवर्सिफाई हो रहा है टोटली डिजिटल लॉक्स में. और उसमें येल एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है येल. और टोटली डिजिटल मार्केट हो रहा है इसका, मुझे किसी को भी चाबी रखनी नहीं है घर में, सबको थंब इम्प्रेशन पे लॉक खोलना है या पासवर्ड पे लॉक खोलना है. तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और इसमें हाईएस्ट सिक्योरिटी जो दे रहा है अभी, वो येल कंपनी के अलावा कोई कंपनी नहीं है. और वो बेस्ट क्वालिटी है, इसका सर्विस बैकअप और जो भी कस्टमर केयर है वो येल सबसे अच्छी तरह से कर पा रहा है. सर, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अभी पुणे के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट है? बिजनेस अभी बेसिकली रेसिडेंशियल क्लाइंट से ज़्यादा आ रहा है. प्योर मार्केट है वो रेसिडेंशियल मार्केट है. कमर्शियल मार्केट बहुत स्लो है, बहुत स्लो, क्यों? ड्यू टू कोविड और रेंटल प्लेसेस सब खाली हो चुके हैं. तो अभी कमर्शियल को कोई डिमांड नहीं है, रेसिडेंशियल को बहुत तूफान डिमांड है, क्योंकि बिल्डर्स का भी बुकिंग अभी रेसिडेंशियल का तूफान हो गया कोविड में. तो अभी आगे भी जो फ्यूचर मार्केट है, 2 साल भी जो बाद जो आने वाले, अभी जो घर बन रहे नए, तो वो प्योरली रेसिडेंशियल मार्केट आने वाला है. क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑफिस पे खर्चा नहीं हो रहा है. वो ऑफिस का जो मार्केट था हमारा, वो बहुत स्लो डाउन हो गया. तो अभी फिलहाल तो रेसिडेंशियल मार्केट ही पिकअप है पूरा. सर, आप प्लाईवुड पैनल प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, और आज काफ़ी सारे न्यू एज मटेरियल हैं, जैसे HDHMR है, WPC बोर्ड है, फाइबर सीमेंट बोर्ड है. एज कम्पेयर विद प्लाईवुड पैनल, आप इनका मार्केट कैसा देखते हैं फ्यूचर में? बेसिकली ये सब सारी चीज़ें आ रही है नई नई अभी, HDMR शीट्स है. ये मॉड्यूलर बेस्ड इंडस्ट्री है पूरा, और इनका डिमांड क्रेजीली ग्रो हो रहा है, क्रेजीली एकदम. क्योंकि जब से कोविड हुआ है ना, एक नया फील आ गया है कि कारपेंटर को घर में कम घुसने देते लोग अभी, क्लाइंट. और जैसे कि मेरे पास किचन के क्लाइंट पहले काफ़ी रहते थे, अभी भी मॉड्यूलर किचन, लेकिन अभी कस्टमर मॉड्यूलर वार्डरोब भी मांग रहा है. तो उसमें हमको वैल्यू एडिशन देना है कि वो HDMR में बनाते, काफ़ी नए सोल्यूशन जो आ रहे हैं मॉड्यूलर, ईजी टू वर्क. जैसे कि फैक्ट्री में आपने को जो भी ईजिली मटेरियल अवेलेबल है प्लाउड को छोड़ के, तो नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो उसमें हमको काफ़ी इंटरेस्ट है. और वो एक नया मार्केट ग्रो हो रहा है साइड बाय साइड. प्लाउड को कम प्रेफरेंस देंगे लोग आगे आगे, और ये नया मार्केट ग्रो होने ही वाला है. हल्लो हल्लो हल्लो. सर, अगर हम डेकोरेटिव आइटम की बात करते हैं, जैसे वॉल हाइलाइटर हैं, विनियर है, लेमिनेट है, तो और आज नए लेमिनेट में भी PVC लेमिनेट भी आ रहे हैं, तो इन डेकोर आइटम का फ्यूचर कैसा है यहाँ पे, और सेल किस तरीके की है? डेकोर आइटम का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है. लेमिनेट्स का मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, और ईजिली लेमिनेट बहुत ईजिली एक्सेप्ट होता है कस्टमर को एज अ. और वॉल डेकोर में भी अभी वो नई चीज़ आई है, नई वो एक्रेलिक टाइप, तो वो भी उसका डिमांड इतना है कि मार्केट में शॉर्टेज है हर चीज़ का. कोरियन जो नया हाईलाइटर आया है, तो ये सब चीज़ का बहुत डिमांड क्रेजीली ग्रो होने ही वाला आगे भी. आपको पुणे का फ्यूचर कैसा दिखाई देता है सर? गुड गुड.
पाँच साल तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है पुणे का, पाँच साल तो इतना मैं बोल सकता हूँ कोविड रिलेटेड, क्योंकि अभी रेसिडेंशियल को बहुत डिमांड है, तो पाँच साल तो बिजनेस अच्छा ही पकड़ना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स।